जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों आज का ये वीडियो स्पेशली मैं बना रहा हूँ ट्रेनिंग टिप्स कि आपको ट्रेनिंग में किस प्रकार से ट्रेनिंग करें ताकि आपको आसानी भी रहे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसके लिए मैं आपको ट्रेनिंग टिप्स देने वाला हूँ कि आपको ट्रेनिंग में किन किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना। दोस्तों साथ ही बता दूँ, मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है उस पर फौजी मैथ अकेडमी, तो उस पर मैथ और रीजनिंग की डेली क्लास शुरू कर दी हूँ। तो जितने भी पढ़ने के इच्छुक है वो ज़रूर उस पर जुड़ जाए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों ट्रेनिंग टिप्स में अगर आप बात करें कि आपको ट्रेनिंग कैसे करनी है या ट्रेनिंग का जो शेड्यूल होता है उसमें आपको किस प्रकार से अपने आप को ढालना है या क्या किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है या घर पर अभी आप क्या तैयारी कर सकते हो ट्रेनिंग, तो घर पर क्या तैयारी कर सकते हो ये पहला क्वेश्चन। घर पर कुछ तैयारी नहीं कर सकते, घर पर अभी आप मज़े करिए और बस नॉर्मल रनिंग कर सकते हो सुबह सुबह। फिजिकल एक्सरसाइज अगर आप करना चाहते हो तो बेस्ट है ताकि आपको ट्रेनिंग में लोड नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो फिजिकल एक्सरसाइज आप ट्रेनिंग घर पर कर सकते हो, उसके अलावा बाकी पूरे दिन आप मजे करो घर पर, क्योंकि जैसे ही आपके फाइनल मेट आ जाएगी, आपका नंबर आ जाएगा, खुश होना, सभी परिवार वालों से मिलके अच्छे से मजे करो और अपनी स्वतंत्रता के जो कुछ दिन बचे हैं उसको एंजॉय करना। बस फिजिकल एक्सरसाइज करते रहना, जैसे रनिंग करते रहना, बीम लगाते रहना, सिटअप लगाते रहना। तो इससे क्या होगा कि आप जब वहाँ पर जाओगे तो आपका शरीर फिट रहेगा, तो आसानी रहेगी आपको ट्रेनिंग में, ठीक है। अब ट्रेनिंग की बात करते हैं, आपको पता है ट्रेनिंग का जो शेड्यूल होता है वो शेड्यूल कैसा होता है। सुबह 4 बजे उठना, 5 बजे से ग्राउंड, 5 बजे से फिर 8 बजे तक या 7 बजे, 7:30-8 बजे तक रनिंग या फिजिकल एक्सरसाइज, उसके बाद में नाश्ता, उसके बाद में फिर 1 बजे 12 बजे तक ग्राउंड में जो ड्रिल चलती है परेड, 12 बजे तक परेड, उसके बाद में फिर रेस्ट, फिर वापस 2:30 या 3 बजे से परेड शुरू, फिर शाम को 6 बजे ख़त्म। तो ये ट्रेनिंग का शेड्यूल होता है, ठीक है, यही ट्रेनिंग का शेड्यूल होता है। इसके अलावा अब कुछ क्वेश्चन पक्के ऐसे पूछेंगे कमेंट बॉक्स में, पहले यहाँ से कह देता हूँ, तो इस टाइम के अलावा जो आपका फ्री टाइम है उसमें आप मोबाइल यूज कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस टाइम में आपको किस बात का ध्यान रखना है, ट्रेनिंग टिप्स अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो किन किन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है, गारंटी है मेरी आप पूरी की पूरी ट्रेनिंग में याद करोगे मुझे और बिल्कुल परेशानी उठानी नहीं पड़ेगी, ये गारंटी है मेरी। लेकिन आपको इन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो आप बहुत बड़ी परेशानी उठाओगे, ठीक है, क्योंकि आपको बार बार चीज़ें बताई जाएगी लेकिन आपको वहाँ पर है ना इन चीज़ों का ध्यान नहीं देगा। अगर आप अभी से दिमाग में बैठा के लगोगे कि हाँ ये चीज़ सही है और ऐसे ही मुझे करना है, तो ध्यान रखना। अब पहली चीज़ मैं आपको बताता हूँ, खाना मेस में बहुत अच्छा मिलता है ट्रेनिंग में, लेकिन आपको एक्स्ट्रा खाना है। एक्स्ट्रा का मतलब, क्योंकि आपकी इतनी एक्सरसाइज होगी पूरे दिन, मतलब भाग दौड़, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान बोलते हैं कि पैदल चाल नहीं होती, दौड़ चाल ही होती है, ग्राउंड से मेस तक, मेस से ग्राउंड तक, मतलब दौड़ चाल में काम होंगे, पैदल चाल नहीं रहेगी। तो पूरे दिन आप ना करते ही पूरे दिन इतनी 10 किलोमीटर आपकी मतलब डेली हो जाएगी इन चीज़ों में, मतलब आपकी रनिंग वनिंग होती जाएगी। इसलिए एक्स्ट्रा खाना, एक्स्ट्रा क्या खाना है, जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गए, काजू बादाम, ये चीज़ें एक्स्ट्रा खाते रहना है, हमेशा खाते रहना है, फ्रूट खाते रहना है, ताकि इससे क्या कि शरीर में कैल्शियम की वृद्धि होती रहेगी। और जब तक अंडा खाने वाला, अंडा दबा के खाना, बढ़िया से खाना, अच्छे से खाना, इससे क्या होगा, एक ट्रेनिंग में कम मोबाइल यूज करना, मोबाइल का ज़्यादा यूज़ नहीं करना, अच्छे से नींद पूरी करना। जो अच्छे से नींद पूरी नहीं करेगा और खाने पीने में ध्यान नहीं देगा, गारंटी है मेरी वो 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद में बहुत पछताएगा। आपको याद रखना, ज़िंदगी में या ट्रेनिंग में अगर आप करने वाले हो, किसी फोर्स की ट्रेनिंग करने अगर आप आगे जाके ज्वाइन करने वाले हो और उसकी ट्रेनिंग करोगे, तो उसके दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखना कि ट्रेनिंग आपको 12 मंथ की है। अगर आपका शरीर स्वस्थ है, भले ही आप 10 किलोमीटर में आपका टाइम नहीं आ रहा, भले ही आपका 5 किलोमीटर में टाइम नहीं आ रहा, भले ही आपका 3 किलोमीटर में टाइम नहीं आ रहा, आप हर बार फेल हो रहे हो, लेकिन अगर आपका शरीर स्वस्थ रहा, आपका शरीर में चोट नहीं हुई, दर्द नहीं हुई, तो गारंटी मैं लिख के दे दूंगा कि आप फाइनल रिजल्ट के दिन या फाइनल टेस्ट होगा उस दिन आप सब पास हो जाओगे, गारंटी है मेरी, ये मैंने देखा है, मैंने खुद ने अनुभव किया है, ठीक है। तो इस चीज़ का विशेष, क्योंकि डेली रनिंग करोगे ना, अभी आपका स्टेमिना इतना नहीं है, अभी आप ओवर वेट भी हो गए, कईयों का वेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, कईयों को कम हो रहा है, तो अभी आपकी प्रॉब्लम है। लेकिन ट्रेनिंग में अगर आपका शरीर स्वस्थ रहा, तो शरीर स्वस्थ कैसे रहेगा, खाने पीने का विशेष ध्यान रखना ट्रेनिंग में, खाने पीने का, और विशेष ध्यान रखना नींद का, नींद अच्छे से लेना, जितनी हो सके उतनी नींद लेना और जितना कम हो सके उतना मोबाइल यूज करना, सोने के टाइम पे बिल्कुल सो जाना है कम से कम, आपको ट्रेनिंग में वैसे ही बहुत कम नींद मिलती है, तो उतनी नींद जितनी मिलती है उसको सफिशेंट लेना, ताकि होगा क्या, शरीर की ऊर्जा बनी रहेगी। खाने पीने में मैंने बोल दिया कि एक्स्ट्रा मेस पे अच्छा मिलता है खाना, लेकिन आपको एक्स्ट्रा खाते रहना है पूरे दिन, ड्राई फ्रूट्स, कुछ ना कुछ आपका जो पोज पीटू बंधा रहेगा उसमें रखना हमेशा,
और चबाते रहना। आपको खाने के लिए ट्रेनिंग में कोई मना नहीं करेगा, आप किसी भी टाइम आप कुछ भी निकाल के खाओगे आपको कोई मना नहीं करेगा। आपको बार बार दी जाएगी हर एक पीरियड में कि चलो 5 मिनट कुछ खा लो, चलो 3 मिनट कुछ खा लो, चलो 5 मिनट कुछ खा लो। क्यों दी जाती है? क्योंकि उनको पता है इतनी मेहनत हो रही है शरीर में। चल आप एक चीज़ याद रखना कि जब अभी आपका शरीर देख लेना फ़ोटो खींच के और घर पे लगा के जाना, और जब 12 महीने की ट्रेनिंग करके आओगे ना तब खींच के देखना, आपकी स्किन से लेके चेहरा और पूरा का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर अगर चेंज नहीं हो जाए तो आप मेरे को बोल देना, गारंटी है मेरी 6 महीने में चेंज हो जाएगा। मतलब इतने प्रभावित हो जाएगा आपका शरीर पे। क्यों? क्योंकि इतनी फिजिकल एक्सरसाइज, इतनी एक्टिविटी, इतना अलर्टनेस रहती है कि आपके जो शरीर है वो ऊर्जावान हो जाता है, उसमें जितना भी साइड इफेक्ट है वो सब खत्म हो जाता है और ऊर्जावान हो जाता है। तो उसमें खाने पीने का आपको विशेष ध्यान रखना ट्रेनिंग टिप्स में। दूसरा, अगर आपको मैंने बोल दिया कि अगर आपको कंप्यूटर चलाना अच्छा आता है तो उसमें ध्यान रखना, आपको कल्चर प्रोग्राम अच्छा आता है तो उसमें मज़े करना, मजे मस्ती करना। उसके अलावा अगर आप क्रिकेट अच्छा खेलना चाहते हो तो गेम में ज़रूर जाना, वहाँ पर गेम की टीमें बनती है उसमें ज़रूर जाना। वॉलीबॉल अच्छा खेलना चाहते हो उसमें जाना, कबड्डी खेलना चाहते हो उसमें जाना, और कल्चर प्रोग्राम वहाँ पर बार बार होते रहते हैं, हर महीने में एक दो बार होते रहते हैं। तो जो कल्चर प्रोग्राम वाले वो कल्चर की तैयारी करते रहते हैं तो उनको थोड़ी सी बीच बीच में कट मारने का मौका मिल जाता है, तो उसमें ज़रूर आप पार्टिसिपेट करना और आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इसके बाद में कभी भी ट्रेनिंग में एक्स्ट्रा चटकी नहीं दिखानी है, ठीक है? किसी भी उस्ताद के सामने या किसी के भी सामने मतलब गलती से भी अपना मुंह नहीं खोलना। अपने आर्मी की वैकेंसी देखी होगी, वहाँ पे भी ये मुंह है ना, ये बहुत गंदा चीज़ है। अगर आपने खोल दी एक बार आपको ट्रेनिंग भारी हो जाएगी। तो इसलिए कभी भी मुंह नहीं खोलना किसी भी उस्ताद के सामने, भले ही वो गलत बोले से, वो गलत या सही कुछ भी बोल रहे हैं, इसमें वो पहले से कुछ ना कुछ माइंड सेट लेके चलते हैं कि इसको किस प्रकार से माइंडली मतलब तैयार करें, किस प्रकार से फिजिकली तैयार करें, वो उनकी एक प्रैक्टिस होती है। तो आपको सहन शक्ति आपको बढ़ाते रहना ट्रेनिंग, ठीक है? हर चीज़ को सहन करना है, किसी से भी झगड़ा नहीं करें। अपना कोई दोस्त अगर गाली भी बक दिया तो भी इससे झगड़ा नहीं करें, ये ट्रेनिंग में ये सब होता रहता है। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, किसी भी उस्ताद के सामने मुँह खोलने की कोशिश ना करें, अच्छे से ट्रेनिंग करें, उनकी जो बात है उसको फॉलो करना ही करना, आपको चाहे वो गलत चाहे सही आपको वो फॉलो करना ही करना है, ठीक है? तो ज़्यादा एक्स्ट्रा चटके नहीं दिखाई, आपकी जितनी रनिंग का स्टेमिना उतना, ऐसा नहीं कि बेहोश हो जाए बस दौड़ते रहे यार मुझे पहले दिन फर्स्ट आना, नहीं ऐसा नहीं। धीरे धीरे रे मनार धीरे सब कुछ हो, मालिक सीचे सोगड़ा रितुआई फल हो, तो धीरे धीरे आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है। आपको अपने आप स्तर पर देखना है कि मेरा कितना स्टेमिना, मैं बीम कितनी लगा सकता हूँ। आपको शुरुआत के 1 महीने में आपको कोई नहीं बोलेगा ज़्यादा कुछ, बस नॉर्मल वो एक्सरसाइज ज़्यादा करवाएंगे, तो करते रहना लेकिन अपने शरीर को चोट नहीं पहुँचाना, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, ठीक है? शरीर अगर आपका सही स्वस्थ रहे, कई लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है ट्रेनिंग में, आपको सुना होगा कहीं के पैर के चोट आ जाती है, कहीं के हार के चोट आ जाती, तो इन चोटों से आपको बचना, ध्यान रखना है, ठीक है? आप नहीं कर पाते हो कोई बात नहीं, आपसे बार बार करवाया जाएगा, एक्स्ट्रा टाइम करवाया जाएगा। तो ये मत सोचना कि एक्स्ट्रा टाइम में मैं क्यों आऊँ, जाना एक्स्ट्रा टाइम में, अच्छे से सीखोगे, अच्छे से करोगे और बेटर बन जाओ। तो इस प्रकार से करना है, तो ये ट्रेनिंग में आप इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखना है तो आपके लिए अच्छी ट्रेनिंग होगी। चाहे आप किसी की भी ट्रेनिंग करो तो एक इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना कि धीरे धीरे ट्रेनिंग शुरू करना, खाने पीने की चीज़ का विशेष ध्यान रखना, ठीक है? जो ट्रेनिंग में जो भी आपको पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, जो चीज़ें वो तो आपको वहाँ पर अपने आप ही एडजस्ट हो जाओगे, आपको क्या चीज़ ध्यान रखना है क्या चीज़ नहीं ध्यान रखना। लेकिन जो मैं ये बात बता रहा हूँ, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना कि एक तो अपना शरीर हमेशा बचा के रखना, क्योंकि अगर आपका शरीर बचा रहेगा, आपने एक बार पहले सुना होगा ये कई बार टिकटॉक पर ये बहुत सारे चले थे कि आप देश के लिए क्या कर सकते हो, काम में जान दे सकता हूँ। अरे भाई जान दे दोगे तो फिर लड़ेगा कौन? अगर आप जान दे दोगे तो लड़ेगा कौन? इसलिए जान दे सकता नहीं, जान ले सकता हूँ। तो सबसे पहले खुद स्वस्थ, अगर मैं खुद ठीक हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर मैं खुद ही अगर क्षति पहुँचा लिया, खुद का नुकसान कर लिया, फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो इसलिए सबसे पहले आप खुद को प्रायोरिटी देना कि हाँ मैं पूरी ट्रेनिंग में स्वस्थ रहूँगा। हर रोज़ सुबह उठते ही अपने माता पिता को याद करना, अपने इष्ट देव को याद करना और छूके पैर उनके ट्रेनिंग का दिन शुरू करना, बहुत अच्छे से आपकी ट्रेनिंग कटेगी दोस्तों, ठीक है? तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, ज़्यादा एक्स्ट्रा बनने की कोशिश ना करें। किसी को कोई चीज़ जाती है तो उतना ही करे जितना उससे हो पाता है, एक्स्ट्रा बनने की ज़रूरत नहीं है। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।